प्रणाम आचार्य। हम सब तो चिंता में पड़ गए थे कि आप अभी तक। मैं गंगापुत्र के पास गया था। अर्जुन के होते हुए युधिष्ठिर को बंदी बनाना संभव नहीं लगता है कुमार। अर्जुन को मुझ पर छोड़िए आचार्य। मैं भी परशुराम शिष्य हूं अंगराज, और गंगापुत्र भी परशुराम शिष्य हैं। मुझे तुम्हारी वीरता पर संदेह नहीं है, किंतु अर्जुन फिर भी अर्जुन ही है। विराट युद्ध में स्वयं तुम उसके बाणों का स्वाद चख चुके हो। तब तो हमें वहां चलकर आत्मसमर्पण कर देना चाहिए आचार्य। अंगराज की बात है तो विचारणीय आचार्य। गंधार नरेश, मैं प्रधान सेनापति से क्षमा चाहता हूं। एक बात याद रहे कि आप सब के सब योद्धा मेरे पक्ष में युद्ध कर रहे हैं। यदि मेरे शिविर में अहम से अहम टकराता रहा तब तो मेरी पराजय निश्चित है। इसलिए मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूं कि अपने अहम को मेरे हितों पर अधिमान न दीजिए, और मैं गुरु श्रेष्ठ से इस विषय में सहमत हूं कि जब तक हम अर्जुन को युधिष्ठिर से दूर करने में सफल नहीं हो जाते तब तक युधिष्ठिर को बंदी बनाना संभव नहीं। इसलिए मैं आप सब लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि अर्जुन को युधिष्ठिर से दूर करने का महत्वपूर्ण कार्य किसे सौंपा जाए। मैं तो यह कार्य कर नहीं सकता मित्र, क्योंकि इसमें मुझे अर्जुन से भागने का नाटक करना पड़ेगा, और मैं तो भागने का नाटक भी नहीं कर सकता। गुरुदेव, मेरे विचार में इस कार्य के लिए हमें त्रिगर्त देश के प्रमुख से सहायता लेनी चाहिए। इस कार्य के लिए युवराज दुर्योधन और प्रधान सेनापति को मेरे शिविर में आने का कष्ट उठाने की तो आवश्यकता ही नहीं थी। हे आचार्य, अर्जुन को ललकारने का अर्थ मृत्यु के अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता, किंतु हम हस्तिनापुर के पक्ष में युद्ध करने आए हैं, इसलिए हम दोनों भाई अर्जुन के हाथों अपनी मृत्यु स्वीकार करते हैं। दुख केवल इसका है कि ये कहने आप स्वयं यहां तक आए। यदि आपका द्वारपाल भी हम तक आपका यह संदेश पहुंचा देता तब भी हमने अपना जीवन आपको भेंट कर दिया होता। इतिहास सदैव तुम्हारी गिनती महावीरों में करेगा मित्र, और आज तुमने दुर्योधन के साथ साथ हस्तिनापुर को भी अपना ऋणी बना लिया है। हम शपथ लेते हैं कि रणभूमि से यदि हम लौटे तो अर्जुन वध के पश्चात लौटेंगे, और यदि हम अर्जुन वध न कर पाए तो फिर हमारे शव आएंगे।